दोस्तों एटीएफ टेक में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं आप लोग रेडमी वाई टू या वाई टू एस जो है इसको फुल रूट कैसे करें। इसका मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। आप लोग अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे आप लोग को पता नहीं चलेगा, तो बाद में आप लोग हमको कमेंट करेंगे कि भाई ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर मैं दोस्तों नहीं हुआ तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए, फुल डिटेल्स डाल के कमेंट कीजिए। मैं 100% आप लोग का कमेंट का रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते रहिए, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैंने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ। आप लोगों को क्या करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे ऊपर में जो अबाउट फोन है इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये डिवाइस मॉडल है रेडमी वाई टू और इसका MIUI वर्जन जो है 11.0.5 है। इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 9 है। तो आप लोगों को इसका डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए आप लोग MIUI वर्जन जो है इस पर क्लिक कर दीजिए 4-5 बार। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यू आर नाउ ए डेवलपर। आप लोग क्या करना है, अभी यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों आप लोग थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग एडिशनल सेटिंग जो है इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए डेवलपर ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। तो दोस्तों आप लोग इसको अगर बूटलोडर अनलॉक करने के लिए चाहते हैं तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को मैं दिखाती हूँ। आप लोग को यहाँ पे 3 सेटअप करना है, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, USB डेबिंग जो है इसको इनेबल कर दीजिए। आप लोग इनेबल करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, OEM अनलॉकिंग जो है इसको इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखिए MI अनलॉकिंग स्टेटस जो है इस पर क्लिक करके आप लोग MI अकाउंट को ऐड कर दीजिए। ये मेरा अनलॉक मोबाइल है। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आप लोग को इसी वीडियो बनाया हूँ। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग ऐड अकाउंट कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से डेवलपर ऑप्शन इनेबल करके आप लोग MI अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे अभी लैपटॉप का स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग रेडमी वाई टू का TWRP को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले आप लोगों को दिखाऊंगा इसका ऑफिशियल साइट में जाके यहाँ से डाउनलोड होता है या नहीं होता है, आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे टाइप करना है TWRP, एंटर कर देना है। उसका बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डिवाइसेस जो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जितना सारा डिवाइसेस सारे आ गया है। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमको Xiaomi का चाहिए, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितना मॉडल है Xiaomi का यहाँ पे निकल के आया है। आप लोग जिस मॉडल का चाहिए आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमको यहाँ से Y2 का चाहिए, लेकिन यहाँ पे Y2 का जो TWRP है और अवेलेबल नहीं है ऑफिशियल TWRP जो है। तो आप लोग इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वीडियो को देखिए, मैं डाउनलोड करके आप लोग को दिखा दे हूँ। यहाँ पे टाइप करना है उसका बाद एंटर कर देना है। एंटर कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है अनऑफिशियली TWRP है। आप लोग को अगर TWRP इंस्टॉल करना है तो आप लोग यहाँ से करना होगा। यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये TWRP जो है यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसका सारा डिटेल्स आ गया है। डाउनलोड का लिंक भी यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है TWRP टूल किट जो है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर अभी क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। मैं इसको डेस्कटॉप में रखूंगा, ओके कर देती हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा जो TWRP है वो डाउनलोड हो गया है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा पहले, एक्सट्रैक्ट हो गया है। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यहाँ से आप लोग डायरेक्टली TWRP को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, कमांड डाल दूंगा CMD। यहाँ पे कमांड टाइप करना है फर्स्ट बूट डिवाइसेस। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है, नहीं है यहाँ पे टाइप करना ADB DYCS। यहाँ पे हमने दोस्तों मोबाइल का फायरवुड मोड में नहीं लिया, इसीलिए नहीं दिखाया। अभी क्या करना है, आपका मोबाइल का फायरवुड मोड में लाने के लिए आपका मोबाइल का पहले ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन और पावर दोनों की आप लोग एक साथ प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद आप लोग को क्या करना है, USB केबल से कनेक्ट कर देना। कनेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर ADB डिवाइस जो हमने टाइप कर दिया, अभी उसके बाद एंटर कर देना। ये देखिए दोस्तों ADB डिवाइस जो है यहाँ पे सक्सेसफुली ले लिया है। अभी क्या करना है, फर्स्ट बूट डिवाइसेस एंटर कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा जो डिवाइस है वो ले लिया है। अभी यहाँ पे कमांड डालना है फर्स्ट बूट स्लैश रिकवरी। उसका बाद यहाँ पे जो दोस्तों TWRP है वाइडो का, इसको आप लोग यहां से पकड़ के वहां पे छोड़ देना। अभी क्या करना है, एंटर कर देना। यहाँ पर देखिए दोस्तों TWRP इंस्टॉल हो गया है। अभी क्या करना है, आपका मोबाइल का जो पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ प्रेस कर दीजिए। पावर बटन छोड़ दीजिए। ये देखिए दोस्तों TWRP इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से Redmi Y2 में TWRP को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग Redmi Y2 या Y2S में मैजिक मैनेजर को कैसे इंस्टॉल करें। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाते हुए, आप लोग अगर इसका मैजिक मैनेजर फाइल को डाउनलोड किया है तो आप लोग को मेमोरी फाइल में रख के इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे OTG में काम नहीं होता है इसका जो वर्जन है। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, मैंने मेमोरी फाइल में रखा है, आप लोग भी मेमोरी फाइल में रख के उसको डाउनलोड कर मोबाइल में डाल लीजिए। उसका बाद यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट स्टोरेज है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हम मेमोरी फाइल में रखा है हम, तो माइक्रो SD कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसका बाद दोस्तों मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैजिक मैनेजर जो है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों जितना रेड मार्क लगा हुआ है लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैजिक मैनेजर फाइल इंस्टॉल होकर यहाँ पे सक्सेसफुल दिखाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों सक्सेसफुली हो गया, तो अभी क्या करना है, इसको रिबूट कर देना है। यहाँ पर देखिए रिबूट हो गया, ओपन हो गया है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग को इसका जो मैजिक मैनेजर है वो शॉर्टकट फाइल में अभी तक नहीं आया है। इसका नेट का ऊपर डिपेंड करता है, आपका नेट जितना स्पीड होता है वो इतना स्पीड यहाँ पे आ जाता है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेजिक मैनेजर जो है हमने इंस्टॉल किया था यहाँ पे आ गया है। अभी क्या करना है, इसको अपडेट करने के लिए आप लोग इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये सेटिंग कर दीजिए, यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इंस्टॉल हो गया है। अभी क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे का अपडेट है, ऊपर का अपडेट है। आप लोग को पहले क्या करना है, नीचे का जो अपडेट है इसको करना है, क्योंकि इसको दो बार अपडेट करना पड़ता है। इसको फिर से अपडेट करना पड़ेगा। अभी इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो गया, अभी फिर से इसको ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर का जो है उसको अपडेट कर लीजिए। ये जो नीचे का है उसको सेलेक्ट कीजिए, डायरेक्ट इंस्टॉल। उसका बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे मास्ट भी आपको रिबूट करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा मोबाइल रिबूट हो गया है। अभी क्या करूँगा मैं, इसको जो अपडेट किया था इसको ओपन करके देखूंगा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपडेट हो गया है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से Redmi Y2 या Y2S में मेजिस्क मैनेजर को इंस्टॉल करके आप लोग अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी मोबाइल का स्क्रीन पर आ गया हूँ। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग Redmi Y2 या Y2S में आप लोग एक्सपोज मैनेजर जो है इसको इंस्टॉल कैसे करें और उसको एक्टिव कैसे करें। तो दोस्तों मैंने इसको पहले डाउनलोड करके मेमोरी में डाल के रखा था। अभी क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। आप लोग अगर डाउनलोड नहीं किया है तो मैं इसका वीडियो भी बना के रखा हूँ, आप लोग को वीडियो जाकर देख के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक्सपोज मैनेजर जो है इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये देखिए इंस्टॉल हो गया है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए, ईडी एक्सप्रेस फार्मा इज नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल। तो दोस्तों इसको कैसे एक्टिव करना है मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। इसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ से बैक जाना है। बैक जाके आप लोग को क्या करना है, मेजिस्क जो है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, लास्ट में जो चार नंबर ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, रीरू जो है इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, आप लोग रीरू 26.1.1 जो है इसको इंस्टॉल किया है। अगर आपका रीरू ईडी एक्सपोर्ट जो है वो इंस्टॉल नहीं होता है तो आप लोग को क्या करना है, इसका वीडियो भी मेरा इस वीडियो का लिंक पे है, आप लोग जाकर देख लीजिए। मैं वहाँ पे जाके आपको चार नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रीरू हमने दिया था वो काम नहीं किया है। यहाँ पर देखिए ईडी एक्सपोर्ट भी दिया था, काम नहीं किया है। मैं अभी क्या करूँगा, रीरू का जो आपका पहले का वर्जन है इसका मैं इंस्टॉल करूँगा। आप लोग भी मेरा उस वीडियो को देख के आप लोग कर लीजिए।
यहाँ पे देखिए दोस्तों रीडो 25.4.4 जो है इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ से बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद दोस्तों फिर से 4 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये रीरो जो है वो अपडेट दिखा रहा है, हम अपडेट नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे दोस्तों, रीरो ईडी एक्सपोज जो है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं अभी इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये देखिए दोस्तों अभी इंस्टॉल हो गया है, तो अभी मैं इसको रिबूट करता हूँ। तो दोस्तों मेरा मोबाइल रिबूट हो गया है। अभी मैं अभी क्या करूँगा, एक्सपोज जो है उसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ईडी एक्सपोज फार्मा किस एक्टिवेट। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से Redmi Y2 या Y2S में आप लोग एक्सपोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग को एक्सपोज इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई आप लोग को ज़रूर देंगे। अभी मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ मैं। डिवाइस एमुलेटर प्रो जो है उसको पहले डाउनलोड करके मेमोरी पे डाल के रखा था। आप लोग अगर डाउनलोड नहीं किया है तो पहले डाउनलोड कर लीजिए और मेमोरी पे डाल लीजिए। डालने के बाद दोस्तों मैं अभी इसको इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये डिवाइस इमुलेटर प्रो है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये देखिए दोस्तों इंस्टॉल हो गया है। मैं अभी क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मॉड्यूल्स इस डिजेबल इन एक्सपोज, इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको कैसे इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के लिए आप यहाँ से बैक जाइए। बैक जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो ईडी एक्सपोज है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखिए एक्सपोज हाइट मॉड्यूल्स पर क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ से फिर से बैक जाना है। बैक जाके आप लोग डिवाइस एमुलेटर प्रो जो है इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, जितना ऑप्शन है आप लोग सारे ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों सारे ऑप्शन ऑन हो गया है। अभी क्या करना है, आपका मोबाइल को मास्ट भी एक बार रिबूट करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरा मोबाइल जो है वो रिबूट हो गया है। अभी मैं आप लोगों को डिवाइस एमुलेटर को जो है इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ वो एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये एक्टिव हो गया है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से Redmi Y2 या Y2S में डिवाइस एमुलेटर मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ मैं। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग Redmi Y2 या Y2S में ऐप को हाइड कैसे कर सकता है। मैं आप लोगों को अभी एक ओपन करके दिखाता हूँ क्या दिखाता है। ये देखिए सॉरी योर डिवाइस इज रोटेटेड। आप लोग को अगर ऐसा प्रॉब्लम दिखा रहा है तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे Redmi Y2 या Y2S में। आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, आप लोग मैसेज फाइल को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैसेज हाइड है।
यहाँ से हमने सारे ऐप को हाइड करके रखा है, ये देखिए हमने हाइड करके रखा है, लेकिन वहाँ पे हाइड नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपने हाइड करके रखा है तब भी हाइड नहीं हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, कैसे आप लोग ठीक कर सकते हैं। यहाँ से क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है इस पर फिर से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों मैसेज कार्ड जो है इसको आप लोग अपडेट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इंस्टॉल हो गया है, रिबूट करने के लिए बोल रहा है। हम अभी रिबूट नहीं करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे। उसका बाद दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद दोस्तों थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पर देखिए मैसेज कार्ड जो है वो इनेबल है। यहाँ पे क्या करना है, हाइड द मैसेज, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग जो भी रीनेम देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रीनेम दे के ओके करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने जो रीनेम दे के वहाँ पे सेव किया था ये डाउनलोड होकर आ गया है। अभी इसको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड सेंड पर क्लिक कर दीजिए और इसको ओपन कर दीजिए। ओके कर दीजिए इसमें। अभी मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाते हुए ये सेकंड ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हार्ड है। अभी यहाँ से मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से वही ऐप को ओपन करके आप लोग को दिखाता हूँ अभी क्या दिखाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों डायरेक्टली ओपन हो गया है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से करेंगे तो आपका ऐप जो है हाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रेडमी Y2 या Y2S में दोनों में आप लोग कर सकते हैं, या किसी भी एंड्रॉयड रूटेड डिवाइस में आप लोग कर सकते हैं।